नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का को आशीर्वाद देता हूँ, आप लोगों का आभारी हूँ। यही प्यार स्नेह मुझको आप लोग देते हैं। मेरा पूरा प्रयास है दोस्तों कि अपने प्रोग्राम वीडियो के माध्यम से आपको कुंडली देखने का खुद ज्ञान प्राप्त हो कराऊँ और आप लोग अपनी कुंडली स्वयं देखें। आप लोग के सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फोन नंबर 9425308888। दोस्तों ये फ़ोन नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि कोई फिर सुन लीजिए, कोई वीडियो संबंधी प्रश्न हो तो आप मुझको करिए, मैं आप लोग का फ्री सेवा करूँगा। मगर अगर कोई मित्रगण अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण कराने की इच्छुक हैं तो आप मुझसे संपर्क करिए, उसका कुछ आपको फीस अदा करना होगा। फीस अगर देंगे तो मैं पूरी कुंडली का विवेचन कर दूँगा। आप लोग के फरमाइश पर शनि सूर्य ग्रह की युक्ति अगर कुंडली में है तो प्रत्येक भाव में किस भाव में क्या लाभ क्या हानि देता है, क्या प्रभाव देता है, ये आपको बतलाने जा रहा हूँ। जैसा आपको मालूम है कि ये शनि सूर्य ये आपस में मित्र नहीं है, शत्रु। जिसके कुंडली में लग्न में शनि सूर्य की युक्ति है, ऐसे लोग की बुद्धि चलायवान होती है, ऐसे लोग के शादी विवाह में रुकावट आता है, ऐसे लोग की जीवन में सिर्फ सोचते अधिक हैं, कार्य नहीं कर पाते। जिसके कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में शनि सूर्य की युक्ति है, ऐसे लोग धन संचय नहीं कर पाते हैं, हमेशा आर्थिक परेशानियों में रहते हैं, इच्छा अनुसार उन्नति नहीं कर पाते। जिसके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में शनि सूर्य की युक्ति है, ऐसे लोग का जीवन विवादों में व्यतीत होता है, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं और जिद के कारण ये हमेशा उलझनों में फंसे रहते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे भाव में शनि सूर्य की युक्ति है, इनकी सुख शांति छीनी जाती है, ऐसे लोग व्यक्ति किसी भी कार्य में करने के पहले 25 बार सोचते हैं, उसमें सफलता नहीं होती है, ऐसे लोग शंकित होते हैं, ऐसे लोग जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते। इससे कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में शनि सूर्य की युक्ति है, एक जीवन में इच्छानुसार शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इनका कैरियर नहीं बन पाता है, जीवन में कभी भी इनको सुख शांति शांति नहीं मिलती। जिसके कुंडली में लग्न से छठवें भाव में शनि सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग हमेशा विवादों में रहते हैं, गुप्त शत्रु पैदा होते हैं, ऐसे लोग के कभी कभी इज्जत प्रतिष्ठा पर भी हमला होता है, जिसके चलते इनका स्वाभिमान बर्बाद होता है। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में शनि सूर्य की युक्ति हो, इनका पारिवारिक जीवन बर्बाद हो जाता है, ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन कभी सुखी नहीं रहता। जिसके कुंडली में लग्न से आठवें भाव में शनि सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग कलाकार होते हैं, ऐसे लोग संगीतकार होते हैं, ऐसे लोग गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में शनि सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग पदोन्नति नहीं कर पाते हैं, इनको जल्द नौकरी नहीं मिलती है, इच्छानुसार नौकरी की प्राप्ति नहीं होती है और हमेशा वो इनके जीवन में उतार चढ़ाव बना जाता है। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में शनि सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग मेहनत का सही लाभ नहीं लेते हैं, जीवन में कई कार्य बदलते हैं, कई व्यवहार बदलते हैं,
मगर इच्छा अनुसार कभी सफलता नहीं मिलता। जिसके कुंडली में लग्न से ग्रह में भाव दें, शनि सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, गलत स्थान पर स्थानांतरण होता है। ऐसे लोग आलसी स्वभाव के होते हैं, कम परिश्रम में अधिक धन कमाना चाहते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में शनि सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग के चौथेपन अच्छा नहीं जाते हैं, ऐसे लोग के संतान योग्य नहीं होते हैं, ऐसे लोग कई उलझनों में फंसे रहते हैं, ऐसे लोग की सोच और कार्य करने की क्षमता दोनों विपरीत होती है और इनका जीवन कभी सफल नहीं रहता है। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, शनि सूर्य की युक्ति कुंडली के किन किन भाव में अच्छा बुरा होता है, इसे सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सहयोग करूँगा। इतना करके वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।